वेलकम टू सिविल टेक, यार सुमन सिंह। देखिए लाइव वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिखा रहे हैं रैम का सेटिंग वर्क चल रहा है, सेटिंग वर्क हो रहा है। इसमें देखिए सेटिंग वर्क होने से पहले हम लोग को क्या क्या चीज़ चेक कर लेना है ये हम लोग को पता होना चाहिए, तो उसी के बारे में आप लोग को दिखाएंगे, देखिए बताएंगे। देखिए सेटिंग वर्क होने से पहले हम ये देखेंगे कॉलम कास्टिंग कितना करना है, क्योंकि सेटिंग करने से पहले कॉलम कास्टिंग होना जरूरी है। उस बाद ही हम सेशिला का सेटिंग करेंगे, बीम का सेटिंग करेंगे। तो कॉलम कास्टिंग होगा वो होगा, देखिए मेरा फर्स्ट लैंडिंग है रैंप का जो 1800 हाइट, बिल्कुल मेरा ग्राउंड फ्लोर का कितना 3600 mm हाइट है। तो 2 लैंडिंग हम यहाँ प्रोवाइड करें, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 1800 mm हुआ। तो 1800 mm जो सिला पर टॉप लेके 1800 होगा, 3600 mm जो सिला पर टॉप लेके 3600 होगा। तो इसमें देखिए हम इधर देखिए ये रैंप का जो हम सेटिंग वर्क करेंगे उसमें कॉलम कास्टिंग करना है, तो कॉलम कास्टिंग करना है तो कितना करना है वो कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखिए 1800 में से 450 mm को हम बीम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 1800 में से 450 माइनस कर दिए तो 1350 बच रहा है। इधर 3600 में से 450 माइनस कर दिए 3150, तो उधर जो आपको सामने दिख रहा है वहाँ हम 1350 हाइट पे लाइन डोरी बांधेंगे इधर 3150 पे, और उससे नीचे का जो पोर्शन होगा उतना ही सिर्फ ओनली कॉलम कास्टिंग होगा, समझे कि नहीं। और देखिए ये है जो बीम जो हम प्रोवाइड करते हैं वो सिलाब का थिकनेस लेके हमको बीम, जैसे 450 का बीम है, 150 mm का सिलेब है, तो 300 का ही हम साइड लगाएंगे, समझ कि नहीं, साइड 300 का ही लगाएंगे और 150 mm मेरा ये सिलाब हो गया। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा, तो 450 mm हो गया, इसका सिलाब का थिकनेस 150 mm है, 6 इंच है, 6 इंच हम कास्टिंग करेंगे। इसमें कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं, हम 25 ग्रेड का यूज कर रहे हैं, हम 20 का रेशियो होता है, 1:1:2 होता है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1 पार्ट ऑफ सैंड और 2 पार्ट ऑफ एग्रीगेट हम